जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो सभी भाई मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो भाई मैं भी अपनी दिनचर्या को सफल बनाने के लिए लग जाता हूँ अपनी किताबों का एडजस्टमेंट करने। तो भाई आप सबको पता ही होगा कि SSC ने एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत पहले जारी कर दिया है। तो भाई मैं इसमें से दो एग्ज़ामों को टारगेट कर रहा हूँ, एक तो है अपना SSC CPO और एक है SSC CGL। तो भाई अब इसकी तैयारी करनी है तो मैंने इन दोनों की एग्ज़ाम डेट लिख ली है, जो कि CPO का पहले है और CGL का बाद में है। तो चलिए भाई बनाते हैं अपनी आज की टू डू लिस्ट। तो भाई मैंने मैथ, GS और इंग्लिश का टारगेट लिखा है आज की टू डू लिस्ट में, और एक मॉक टेस्ट लगाना है ये भी लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने इंग्लिश, GS, मैथ और एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का लगाना है ये मैंने लिखा है। तो भाई ये मैंने कुछ SSC का रोड मैप बनाया हुआ है, रोड मैप क्या आप सिलेबस भी कह सकते हैं इसे। तो भाई मैं 1x1 अपनी टू डू लिस्ट में इसके जैसे टॉपिक लेता रहूँगा इसमें से, और इसे हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो अपने को ये कंप्लीट करना है और इसे ही देखते हुए मैंने आज की अपनी टू डू लिस्ट को तैयार किया है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फिर हम आज का अपना टारगेट। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ अपने मॉक टेस्ट से, तो जो कि मैं लगा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट, जो कि मैं लगाऊंगा अपनी इस बुक से। तो चलिए भाई लगाते हैं अपने मॉक टेस्ट को और देखते हैं कि अपना कितना स्कोर आता है और कितना किस लेवल पर हम लाए कर रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मॉक टेस्ट मैंने लगा लिया था, जो मेरा स्कोर बैठा हुआ बैठा 140 आउट ऑफ 200, और जो रीजनिंग, GS, मैथ, इंग्लिश में मैंने जो स्कोर किया है वो है ये। तो भाई इतने क्वेश्चन मैंने सही करे हैं। तो अगर मैं ये मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था ये था 14 जुलाई 2023 को ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है। तो आप भी अगर कोई मॉक देते हैं तो प्रीवियस ईयर मॉक ज़रूर दें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलता है एग्ज़ाम कैसा आता और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा होती है, प्रीवियस ईयर से ये पता चल जाता है। तो भाई इस बुक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, तो भाई इसमें 25 सोल्ड पेपर दिए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के, जो कि 2016 से 2023 तक जो आए हैं उन पेपर को इन्होंने कवर किया है, और उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन में। तो भाई आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, और ये बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मेन रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में। तो भाई अगर आप भी अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं या एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना चाहते हैं कि किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं, और आप इस बुक से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो ये बहुत बेस्ट बुक हो जाती है। तो भाई अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भाई, और आप इसे परचेस कर सकते हो। थैंक यू। तो भाई फिर मैं आ जाता हूँ अपनी किताबों को लेकर छत पे, और मैं इंग्लिश की बुक्स लेकर आया था अपनी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं नीतू मैम की Volume 1 लाया था ग्रामर के लिए, और ब्लैक बुक और द कंप्लीट वोकेबुलरी लाया था मैं 1 word सब्स्टिट्यूशन और सिनोनियम, idiom एंड फ्रेजेस के लिए, और नियोन की से करेंगे हम पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट। तो भाई मैं बैठ जाता हूँ अपने ग्रामर का, सबसे पहले ग्रामर की बुक लेके, जो कि नीतू मैम की Volume 1 है ग्रामर पढ़ने के लिए, और इसमें आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो था नाउन का चैप्टर। तो चलिए भाई करते हैं अपने चैप्टर को कंप्लीट। नाउन पढ़ने के बाद अब आ रही थी वोकैब की, और वोकैब में सबसे पहले मैं कर रहा था 1 word सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैं कर रहा था ब्लैक बुक से, फिर उसके बाद मैं करूंगा idiom एंड फ्रेजेस। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने स्थान को परिवर्तन कर लेना चाहिए,
तो वो कैब पढ़ने के बाद मनवर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज पढ़ने के बाद मैं लग जाता हूँ सिनोनिम में, तो जो मैं कर रहा था कंप्लीट वोकैबुलरी से। सिनोनियम के बाद अब बारी थी पैराजम्बर और क्लोज टेस्ट की, तो वो जो मैं करता हूँ न्योन क्लासेस की बुक से, तो चलिए भाई इसे भी करते हैं अपने को कंप्लीट। तो भाई इंग्लिश का इतना टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे और अपनी किताबों को वहीं रख देता हूँ जहाँ से मैं लेके गया था। तो भाई अपना इतना टारगेट खत्म हो चुका है, एक मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया, मॉक टेस्ट अपना हो चुका है और नाउन का रिवीजन हो चुका है अपना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं और एडियम एंड फ्रेजेस सिनोनियम पैराजम्बर कर लिए थे, क्लोज टेस्ट हो गए थे, अब स्पेलिंग और कॉम्प्रिहेंशन मैंने कर लिया है नीचे आके, और स्पेलिंग्स बची हुई हैं और जीएस का टारगेट बचा हुआ है और मैथ का बचा हुआ है, तो चलिए इसे करते हैं अपना जल्दी से। तो भाई अब बारी थी जीएस की, और जीएस में जो आज के हमारे दोनों टारगेट थे वो था एक स्टैटिक जीके का क्लासिकल डांस और पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स। तो भाई सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टैटिक जीके, और ये मैं कर रहा हूँ परमार सर की क्लास से, जो भी भाई परमार सर को जानता है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं इन्हीं के बेस्ट से पढ़ रहा हूँ जो कि मैंने परचेज किया हुआ है, तो चलिए भाई करते हैं इसको भी कम्प्लीट। तो भाई जीएस की क्लास लेने के बाद अब बारी थी मैथ की, तो मैथ में मैं आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले रहा हूँ जो कि मैं ले रहा हूँ आदित्य रंजन सर से। तो भाई अब बारी है मैथ के क्वेश्चन लगाने की जो कि मैं लगाऊंगा किरण की बुक से, और आज जो चैप्टर मैं कर रहा हूँ वो है परसेंटेज का, तो चलिए इसे भी अपने टारगेट को कम्प्लीट करते हैं। तो भाई अपना जो टारगेट है वो इतना कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास भी ले ली थी मैंने और क्वेश्चन भी मैंने लगा लिए हैं, और क्लासिकल डांस की भी क्लास ले ली थी मैंने, ये पॉलिटी वाली क्लास नहीं हुई है हमारी और ना हुई है स्पेलिंग के प्रैक्टिस। तो भाई आज का जो है अपना इतना टारगेट कम्प्लीट हुआ है आप देख सकते हैं, और ये दोनों टारगेट अपने छूट गए हैं आज के, भाई ऐसे ही हो रहा है आजकल कि टारगेट छूट जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, अपना कल के दिन का अपना पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई का प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू वेरी मच।